अब फिर वही वाली बात कि सिलेबस नीट में रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है और हर बच्चा इसी पर जो है वो बात कर रहा है और यूट्यूब में अब जो है वो तथाकथित ज्ञानी लोगों के वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा ये हुआ वो होगा, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि तुम्हारे पास यदि वक्त है तो बर्बाद कर लो उसको या पढ़ लो, ठीक है। बात इतनी सी है, जब तक एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि आपका नीट का सिलेबस जो है वो 30% तक कम हो गया है, तब तक हम कुछ भी नहीं मानेंगे। हम 100% की ही तैयारी करेंगे। और रही बात सिलेबस यदि कम होता है तो जाहिर सी बात है कि तब हम क्या करेंगे, हम जब क्रैश कोर्स लेंगे रिविजन करेंगे तो हम जो पोर्शन वहां पर दे रखा है उसको हम दबाकर तगड़े से उसको हम जो है वो एक बार उसको हम जो है क्या कर लेंगे, उसको हम रिवाइज कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी लेकिन अभी मानकर चलिए कि 100% ही सिलेबस है वही हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कोई भी गलतफहमी, आपको पता है लास्ट में बहुत कंफ्यूजन हुआ, कोई भी गलतफहमी हमारे करियर का एक साल बर्बाद कर सकती है। इसलिए प्लीज डोंट गेट ट्रैप इन र्यूमर्स पे मत जाइए, लोगों के कहने पर मत जाइए, यूट्यूब के व्यूज के ऊपर मत जाइए, ठीक है। केवल दिल की सुनिए, दिमाग से समझिए और काम करिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।